नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानंकु स्वागत करे। आसंतु आज ध्यान निमन्ते पवित्र बाइबल गणना पुस्तक 35 अध्याय 22 पद ठारु 34 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मूल प्रसंग व्यवस्था अनुजाई विचार। एठारे प्रकार लेखा जाए, मात्र जेबे केही शत्रुता बिना हठात क्या आघात करे, अबा छक न बसी का उपरे कौनसी अस्त्र पकाए कि अबा जहाँ द्वारा मनुष्य मरी पारे, एपरी कौनसी पत्थर कहारी उपरे न देखी पकाए वो तहीरे से मरे, अथच से तार शत्रु की अनिष्ट चेष्टाकारी हो न थाए, तेबे मंडली से ही बधकारीर ओ रक्तर प्रतिहंतार विषय यही शासन अनुसार विचार करिबे। आ मंडली रक्तर प्रतिहंतार हस्तरु से नर हत्याकारी की उद्धार करिबे। पुणी से जो स्थान को पलाई जाइथिला से आश्रय नगर रे मंडली पुनर्बार ताकु पहुंचाई देबे। ओ जे पर्यंत पवित्र तैल रे अभिषिक्त महाजाजकर मृत्यु न हुए से पर्यंत से ही स्थान रे बास करिबो। मात्र से नर हत्याकारी जो आश्रय नगर को पलाई अछि जेबे कोनोसी समय रे से तहिर सीमार बाहर को जाए व रक्तर प्रतिहंता आश्रय नगर सीमार बाहर ताहा को पाए व तहिर प्रतिहंता ताहा को बध करे, तेबे से रक्तपातर अपराधी हेबो नाही। कारण महाजाजकर मृत्यु पर्यंत आपण आश्रय नगर रे ताहार थिबा उचित। मात्र महाजाजकर मृत्यु हेला उतारे से नरहत्याकारी आपण अधिकार भूमि की फेरी जाई पारिबो। आउ तुम्हमानक पुरुषानुक्रमे सकल निवास स्थान रे एही सब तुम्हमानक विचार रो विधि हेबो। जो व्यक्ति कोनोसी लोक को बध करे से नरहत्याकारी साक्षी मानक साक्ष्य द्वारा हत हेबो। मात्र एक साक्षी रो साक्ष्य कोनोसी लोक रो प्रतिकूल रे प्राणदंड निमन्ते ग्राह्य हेबो नाही। आहुरी प्राणदंड योग्य नरहत्याकारी रो प्राण निमन्ते कोनोसी प्रायश्चित ग्रहण करिवो नाही। मात्र से अवश्य हत हेबो। पुणी केही जेपरी आपण आश्रय नगर को पलाई पुनर्बार आपणा देश को आसी बास करे, एथिपाई तुम्हें माने जाजकर मरण पर्यंत ताहा निमन्ते कौनसी प्रायश्चित ग्रहण करिवो नाही। एही रूपे तुम्हें माने आपणा मानक निवास देश अपवित्र करिवो नाही। कारण रक्त ही देश को अपवित्र करे। आउ देशरे जो रक्तपात हुए रक्तपातीर रक्त बिना तही निमन्ते कौनसी प्रायश्चित करा जाए न पारे। एणु तुम्हमानकर जो निवास देशरे आम्भे बास करूछु तुम्हें ताहा असुचि करिब नाही। कारण आम्भे सदा प्रभु इस्राएल संतानगण मध्यरे बास करूछु। आसन्तु मोर प्रिय माने पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमन्ते चेष्टा करू। से ही नगर व्यवस्था थिला जे कौनसी व्यक्ति अजाणतरे जदि नरहत्या करे तेबे से निज जीवन को रक्षा करिबा पाए एक जागा मनोनीत करा जाइथिला। जेपरी प्रतिशोधकारी ठारु सुरक्षा निमन्ते पळाई रक्षा पाइब। जेउ रक्त को सेमाने सिंचन पाए सुरक्षित करी रखुथिले ताहा महाजाजकंक मृत्यु हेउथिला। तापरे से नगररु फेरुथिला। समस्त हत्याकारी मानंकु जमीर परिष्कृत निमन्ते हत्या करा जाउथिला। एहा केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध निमन्ते करा जाउ नथिला, किंतु एहाकु प्रमाणित करिबा निमन्ते दुई जण साक्षी दरकार पडुथिला। ओ हत्यार पापकु टंका द्वारा क्षमा करा जाउ नथिला। ईश्वर के अटन्ति आसन्तु एठार आमे देखु। ईश्वर एही मृत्युदंडर शिकुळी को भग्न कले, जहाँकि सुरक्षास्थळी महाजाजकंक मृत्यु ही एहार एकमात्र संकल्प बा उपाय थिला। सेमानक पाई जो माने हत्याकारी से आश्रयस्थळी को जाई आश्रय
ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କୃତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି କୃଷୀୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠରୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆମେମାନେ ଶିଖୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେମାନେ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା, ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅପହରଣ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅପବିତ୍ର ନ କରି ଏହି ଭୂମିକୁ ସୂଚୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରି ସମାଜକୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମାଜରେ କେହି ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ହିଂସା ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବାସ କରିପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।